Hello friends, how are you all? I think you all are fine. From this video, we are starting your second textbook, and I think you all know very well that you all are having two books of the English in tenth standard. It was in 9th standard also. The one is textbook, and uh, another, is, uh, another one is that supplementary reader uh, for your tenth standard. Footprint without feet. Okay, we are having. Um, uh, some chapters uh, there are really good chapters, but for the book you should uh, read. You should develop your reading skill, your knowledge, and some question answers. Okay, in uh, your uh, I think uh, I'm sure that not anything, but in your paper pattern it will be for the uh, in section B. question 22 uh, 22 with the internal option okay 20 21 and 22 three questions will be there okay uh, of uh, you have to answer them for five to six sentences okay three questions honge do marks each honge aur aapko iske question aur answer jo hai wo likhne honge ये दो importance है ये पूरी book के इसमें दस chapter हैं देखिए contents जो तो दिख रहे हैं उसमें दस चैप्टर हैं वो हम आ, एक वीडियो में एक चैप्टर करेंगे क्योंकि इसका पहला उद्देश्य ऐसा है ये टेक्स्ट बुक का कि आपको सेल्फली वो रीड करना है लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा मैं आपको समझाऊँगा भी और इसका ट्रांसलेशन भी हम करेंगे और इसके हार्ड वर्ड्स भी लिखेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं उसकी भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा तो इस तरह से हम ये पूरा बुक है इसका ये एक इम्पोर्टेंट है दूसरा उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं तो स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से रीड करना आ जाए जो पास्ट नॉलेज है इंग्लिश का वो उनका फ्रेश हो जाए रिफ़्रेश हो जाए और न्यू नॉलेज उन्हें मिले सम लिविंग स्किल्स जिंदगी के स्किल्स मिले अपने आसपास क्या हो रहा है उसका भी नॉलेज मिले उसके लिए ये बुक आप लोग को सप्लीमेंट्री रीडर उसका नाम ही वही है सप्लीमेंट्री रीडर सप्लीमेंट्री इट मीन्स लिटिल बिट एक्स्ट्रा एंड रीडर कुछ पढ़ाई कर सको ऐसा तो इस बुक में दस चैप्टर्स हैं जिसका फर्स्ट चैप्टर का वीडियो ये उसमें है हमारे टीचर्स डे पे सारिया ने वो समझाया था लेकिन फिर भी एक बार हम लोग ये समझ लेते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर की भी डिस्कस करेंगे ओके द फर्स्ट चैप्टर द ट्रीम्स ऑफ सर्जरी जो सर्जरी होती है इट hmm? मीन्स जो एम एस मास्टर ऑफ सर्जन जो डॉक्टर्स होते हैं वो आ, किसी भी लिविंग थिंग पे ह्यूमन हो या तो एनिमल हो ऐसा किसी भी लिविंग थिंग पे जो उसके बॉडी में कोई डिसीज़ हो तो उसको दूर करने के लिए बॉडी के कोई ऑर्गन को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर्स लोग जो बॉडी को कट करके उसके अंदर काम करते हैं उसको सर्जरी बोलते हैं तो इस चैप्टर में भी ऐसा ही कुछ एक डॉक्टर जो कि इसके राइटर हैं जेम्स हैरियोट तो कि खुद एनिमल डॉक्टर हैं और उन्होंने खुद ने ये स्टोरी लिखी है इसमें बहुत कुछ सच है हा? तो वो नियर दी ट्रूथ उनके साथ बना हुआ ये वाक़ है तो जेम्स हेरियड के नेबर होते हैं मिसिस ट्र्यूम्प उसके पास एक डॉगी होता है ट्रिकी हुँ? वो उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे क्योंकि प्यार करने के लिए उनके पास वो अकेला डॉगी था दूसरा कोई था नहीं तो उसको ज़्यादा प्यार करते थे और उसके लिए वो उसको ओवर ईटिंग भी करवा रहे थे तो ओवर की वजह से वो कुत्ता जो है वो जो डॉगी ट्रिकी है वो आ, इल हो गया और जेम्स हेरियट ने ये जेम्स हरियट दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे जेम्स हेरियट ने अपनी ही आ, उस तरह से आ, आ, ट्रिक से आ, उसको सर्जरी के लिए रखने को बोला एक्चुअली उसे कुछ भी नहीं किया और टू वीक्स के बाद बहुत ही आ, हेल्दी बना के भेजा मसल्स मैन जैसे होते हैं ना वैसे मसल्स डॉगी बना के भेजा और मिसिस ट्रियम बहुत हैप्पी थी लेकिन बीच में मिसिस ट्रियम वरीड भी थी उस कुत्ते के लिए तो जब डॉक्टर ने अपने हॉस्पिटल में रखा था तब आ, उसको ट्रीटमेंट भी दे देने के लिए उसको आ, अच्छा अच्छा खाना देने के लिए वो आती थी डॉक्टर खुद ही वो लेते देते इट मीनस थोड़ा इसमें कॉमेडी भी है और डॉक्टर जेम्स हेरियट की जो ट्रीटमेंट है जो ट्रिकी होती है उसका भी बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है तो क्या होता है पूरी स्टोरी में हम रीड करते हैं और उसका जो है आ, आ, वो हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे इसी वीडियो में तो रीड एंड फाइंड आउट तीन टॉपिक तीन चार टॉपिक दिए गए होते हैं और उसमें फाइंड आउट करना होता है कि एक उसका आंसर देके कि क्या होता है ये इस रीड एंड फाइंड आउट होता है और इसके अंदर जो दो तीन क्वेश्चन पूछे क्या होता है उसके आंसर्स हमें इसमें मिलेंगे तो आपका जो फुट प्रिंट विदाउट फुट विदाउट फीट ले लीजिए और हमारे जो पैटर्न है उसके हिसाब से आपका पेंसिल भी ले लीजिए हम स्टार्ट करते हैं रीड एट फाउंडर वाई मिसिस पंपरी वरी अबाउट ट्रिकी क्यों चिंतित थी वॉट डस सी डू टू हेल्प हिम सी इज़ वाइज इन दिस ओके इज सी वाइज इन दिस हु डज आई रिफ़र टू इन दिस स्टोरी आई मतलब जो हीरो होते हैं या तो यहाँ पे नरेट होते हैं जैम सैरियट जैम सरियट यू के बहुत ही अच्छे राइटर हैं और इनकी मूवीज़ और टी वी शोज भी हैं दो मूवीज़ में भी उन्होंने लिखा है चलिए तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं आई वॉज़ रियली वरीड अबाउट ट्रिकीज़ दिस uh, टाइम मैं ट्रिकी के लिए बहुत ही वरिद था मैंने पहले ही बताया ट्रिकी मिसिस ट्रियूम जो कि जेम्स एरियट की, की uh, नेबर है उसका डॉगी है आई बुल्ड अप माई कार वन आई सो हिम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिसट्रेस एंड आई वॉज साक्ट हिज अपीरियंस एपीरियंस मतलब लुक हाँ huh? जब वो अपनी कार लेके जा रहे थे तो उन्होंने रोक दिया अपनी कार और अपनी मिस्ट्रेस के साथ मिसिस ट्रम्प वो मिस्रेस हैं उसकी और ट्रिकी को देखा तो वो बहुत ही वरीड हो गए उसके लुक से ही हैड बिकम हीजली फैट लाइक ब्लोटेड सोसेज विथ हीज लेग एट ईच कॉर्नर उसके वो बहुत ही फैटी हो गया था हुँ? और उसके जो फैटनेस है वो इंटरनल मीट जो होता है वो दोनों लेग में हर कॉर्नर से दिख रहा था इस आइज ब्लड शॉट्स एंड र्यूम वन ऑफ दी डिस संधिवा जो होता है स्टार्टेड स्ट्रेट अहेड ऑफ एंड हिज टंग हीज फ्रॉम हिज चोर्स कुछ जो कुत्ता जो लेजी हो जाता है या तो फैटी हो जाता है वो ऐसा दिखता है मिसिस पंफरी हैजटेड टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्ट लेस मिसेज मिसटर है वो बहुत ही लिस्टलेस हो गया है यानी कि लेजी हो गया है ही सीम्स टू हैव नो एनर्जी उसको कोई एनर्जी उसके अंदर नहीं है आई थाट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल मेल न्यूट्रीशियन उसको बहुत ही अच्छा खाना या तो बहुत ही पोषक खाना नहीं मिल रहा है उससे वो सफ़र कर रहा है सो आई हैव बिन गिविंग हिम सम लिटल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम आप उसको दो मील के बीच में लंच और डिनर के बीच में और भी खाना उसको खिलाते रहते हैं अपने आप ही मेसिस्ट्रीम ने डिसाइड कर लिया कि वो अभी लेज़ी हो गया है वो माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है तो वो ज़्यादा उसको खिलाने लगे डॉक्टर से पूछे बगैर हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए हुँ? इसका एग्ज़ाम्पल जो मैं आगे जाके समझाता भी हूँ कि ये क्यों दिया गया है आपके उसमें हाँ पहले ये कर लेते हैं सम माल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल एंड बॉल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप नथिंग मच लेव बहुत कुछ खाना खिलाने के बाद भी वो जो हमें प्यार करते हैं ना हमारी ममा आपकी ममा जो होती है उसको भी ऐसा होता है कि बहुत कुछ खिला देती है फिर भी बोलती है अरे मेरे बेटे ने मेरी बेटी ने कुछ खाया भी नहीं सेम उसी तरह से एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू मिस्टर हैड ने आगे भी मिसिस uh, पंपरी को बोला था कि स्वीट कट कर दीजिएगा उसके मेल में से तो पूछ रहे ओ आईडिट फॉर अ बिट उन्होंने थोड़े टाइम के लिए किया था रिप्लाई दे रहे मैसेस टूम बट ही सीम्स टू बी सो वीक आई हैड टू रीलिंग वो बहुत ही वीक लग रहा था इसलिए मुझे वापस शुरू करना पड़ा ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो आई कॉन्ट बीड टू रिफ्यूज हिम उसको चॉकलेट और जो क्रीम केक्स हैं वो बहुत पसंद है इसलिए मैं वो उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकती उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वो खुद से ही डिसाइड करती हूँ बहुत प्यार करती है इसलिए आई लुक डाउन अगेन एट द लिटल डॉग दैट वॉज द ट्रबल मैंने वो जैम सैरियो बोलता है मैंने वो छोटे से डॉगी की तरफ नीचे देखा वो बहुत ही ट्रबल में आने वाला था ट्रिकीज फॉल्ट ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड वो थोड़ा लालची था उसे अच्छा अच्छा खाना मिलता था तो वो खा लेता था रिफ्यूज करता था ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड वो कभी भी खाना रिफ्यूज नहीं करता था ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर्स ऑफ द डे और नाइट वो कभी भी जो उसका मील है उसका खाना है वो टैकल कर लेता था, था रात में या दिन में कभी भी एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसिस पम्परी हैड एंड मैंसन और उसके बारे में मिसिस पम्परी ने कभी भी नहीं कहा था क्योंकि वो प्यार कर रहे थे उसकी गलतियाँ छुपा रहे थे आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज वो पूछ रहे हैं आप उसको बहुत सारी एक्सरसाइज करवाती हैं वेल ही हैज़ हिज लिटल वॉक्स विद मी वो थोड़ा बहुत वॉकिंग कर लेता है मेरे साथ एज यू कैन सी आप देख सकते हैं बट हॉटकिंग, द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लंबेगो, सो देर हैज़ बीन नो रिंग throwing लेटली लेकिन जो हमारा गार्ड हॉटकिंग है वो uh, लंबा सा डंडा लेके वहाँ पर बैठा रहता है नीचे बैठा रहता है इसलिए फिर हम ज़्यादा आगे वॉक नहीं कर सकते थ्रू नहीं हो सकते पेज नंबर टू पिक्चर भी देख लीजिए किस तरह से डॉगी जो की वो हमें फैटी दिख रहा है आई ट्राई टू साउंड सेवर मैंने थोड़ा ऊँची आवाज़ से या तो जैसे हम सलाह देते हैं उस तरह से बोलने की ट्राई uh, की नाउ आई रियली मीन दिस अब ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आपको कहना चाहिए इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल अभी उसको आप ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कराओगे और इसका जो फूड है वो कट नहीं करोगे तो वो बहुत जल्द ही इल हो जाने वाला है यू मस्ट हार्डन योर हार्ट आपको आपका दिल थोड़ा पत्थर रख पे रख दिल पर थोड़ा पत्थर रखना पड़ेगा एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट उसको बहुत ही वेरी स्ट्रिक्ट जो खाना है वो लिमिटेड करना है और जो फैटी थिंग्स है उससे थोड़ा दूर रखना है मिसिस पम्परी रंग हर हैंड्स ओह आई विल मिसिस पम्परी ने हाथ से बोल दिया कि अरे ठीक है मैं करूँगी मिस्टर हैरियोट आई एम श्योर यू आर राइट मैं जानती हूँ कि आप एकदम सही हैं बट इट इज सो डिफ़िकल्ट लेकिन वो बहुत ही डिफ़िकल्ट सो वेरी डिफिकल्ट सी सेट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड एज इट डिटरमाइन टू पुट द न्यू रेजिमी इन टू प्रैक्टिस इमीडिएटली वो आ, मेरी बात को टाल के आ, जेम्स एलियट यहाँ पे कहते हैं अरे जेम्स हेरियट यहाँ पे कहते हैं कि वो मेरी बात को सुना अनसुना करके वहाँ से निकल लिए आई वॉट द इन प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न ट्रिकी टिकी विंग एलोंग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट ही हैड अ होल वर्ल्ड वर्ल्ड रॉब ऑफ दिस कोर्ट्स फॉर the cold weather and raincoat for the wet days he struggled on drooping in his harmness i thought it wouldn't be long before i heard from mrs pumphrey mrs pumphrey bahut hi rich hai usko uh, uske doggy ko bahut sari facilities de ke rakhi hai har season mein हाँ कोल्ड वेदर में, में रेन कोट दिया गया है वेट डेज के लिए सब कुछ उसके पास है हुँ? तो वो बहुत ही पैम्पल्ड करके उसको रखा है वो उसे बहुत नुकसान पहुंचाएगा ऐसे जेम्स हैरीओट वरीड हैं क्योंकि वो एनिमल के डॉक्टर्स हैं इसलिए द एक्सपेक्टेड कॉल मी कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज हैरीओट यहाँ पे कहते हैं लिखते हैं कि एक्सपेक्टेड जो मैं कॉल एक्सपेक्ट कर रहा था वो एक्स वो कॉल फ्यू डेज में थोड़े ही दिनों में आ गया मिसिस पंपरी वॉज डिस्टर्ब्ड मिसिस पंपरी बहुत ही डिस्टर्ब थे डिस्टर्ब थे वरीड थे ट्रिकी वुड ईट नथिंग ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था रिफ्यूज इवन इज फेवरेट डिशेस, ओके एंड बिसाइड्स ही हैड बॉट ऑफ वॉमिटिंग वो बहुत ही वॉमिटिंग कर रहा था ही स्पेंड ऑल हीज टाइम लेइंग ऑन अ रग पेंटिंग डिडेंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक डिडेंट वॉन्ट टू डू एनी थिंग आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस मैंने इस कॉल के लिए डॉक्टर लिखते हैं कि पूरे प्लान एडवांस में करके रखा था द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकीज आउट ऑफ दी हाउस फॉर अ पीरियड थोड़े से दिनों के लिए ट्रिकी को उसके घर से निकालना था बस यही प्लान कैसे करना था वो बाकी था आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट फोर्थ नाइट टू बी कैप्ड अंडर उसको हॉस्पिटल में कुछ दिनों के लिए रखना पड़ेगा द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वूम्ड टू एटेक्ट उसको सॉफ्ट हो गया हा? लेकिन कुछ नहीं कर पा रही थी वो रिच लेडी थी लेकिन यहाँ पे फिर भी पुअर लेडी लिखा हुआ है देखिए मतलब मजबूर लेडी हाँ सी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे वो बहुत ही श्योर थी कि वो पैनिक हो जाएगी डाई मर जाएगी अगर वो उसको नहीं देखेगी तो बट आई टुक अ firm line. ट्रिकी वॉज़ वेरी इल एंड दिस वॉज द only वे टू सेव हिम इन फैक्ट आई थाट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डीले मैं बहुत ही फॉर्म था मुझे पता था कि ये घर पे रहेगा तो, तो मिसेस पम्परी के लाड़ प्यार की वजह से और ज़्यादा पैम्परिंग की वजह से और ज़्यादा बीमार हो जाएगा इसलिए मैं फॉर्म था उसको ले जाने के लिए और अभी के अभी ले जाने के लिए एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्री थर्ड पेज पे आइएगा विलिंग्स आई मार्च टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट मैंने सीधा अपनी गाड़ी को लगा लिया का, अपनी कार को ट्रिक्की uh, को ले जाने के लिए लगा दिया द एंटायर स्टाफ फॉर रस्ट एंड मेड्स रस्ट इन द इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बैड हिज नाइट बेड फेवरेट कुसिंग टॉयज एंड रबर थिंग्स ब्रेकफास बाउल्स लंच बाउल सुपर बाउल सब कुछ हाँ उसके लिए सब कुछ जो स्पेशल लगा था वो स्टाफ ने सब कुछ लेके मेरी गाड़ी में अरेंज कर दिया रियलाइजिंग दैट माई कार वु नेवर होल्ड ऑल द स्टाफ आई स्टार्टेड टू ड्रीव ड्राइव अवे एज आई मूड ऑफ मिसिस पम्परी विथ डिस क्राई मैं जब वहाँ से निकल रहा था तो मिसिस पम्परी वो बहुत ही ज़्यादा डिसपेयरिंग होके क्राए रो रही थी थ्रू एंड आर्म फुल ऑफ द लिटल कोर्ट्स थ्रू द विंडो आई लुकड इन द मिरर बिफोर आई टर्न दॉर्नर ऑफ द ड्राइव एवरीबडी वॉज इन टीयर जो पूरा स्टाफ था उसका घर का वो भी आँसुओं से उनकी आंखें भरी हुई थी सब रो रहे थे सब पंपरी को मिसिस पंपरी को खुश करने के लिए क्योंकि वो रिच लेडी थी ना तो उसका जो प्यारा सा डॉगी है वो जा रहा था तो उसको खुश करने के लिए सब लोग रो रहे थे आउट ऑन द रोड आई ग्लान्स डाउन एट द पैथेटिक लिटल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माय साइड रास्ते में जब जा रहे थे अपनी कार लेके डॉक्टर तो बोल रहे हैं कि मैंने एनिमल को देखा वो जो ट्रिकी जो डॉगी उनके कार के सीट के बाजू में बैठा था उसको देखा और एक ग्लांस ऐसी नज़र डाली हूँ आई पैटेड द हेड मैंने उसके हेड को आ, पैट किया तब तब आया एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेक यहाँ पे कटक्स किया गया है आ, ट्रिकी ने ब्रेव एफर्ट दिखाया कौन सा अपनी टेल को जो है वो वेग करने का पोअर ओल्ड लैड आई से ओल्ड लैड मिसिस पंपरी के लिए बोल रहे हैं कि आपको खाना खिलाते खिलाते उन्होंने इल कर दिया यू अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ केयर फॉर यू मुझे पता है कि आपको किस तरह से केयर करना है चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्योंकि रीड एंड फाइंड आउट इसमें हैं चार टॉपिक हैं वो पढ़ लीजिए the the narrator is rich, as as mistress? How does the treat the dog? Why he tempted to keep Tricky's on a permanent guest? क्यों उस ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वाई डज मिसिज पंप्री थिंक द डॉग रिकवरी इज ट्रीम पॉप सर्जरी ये लास्ट आंसर में मिलेगा चलिए इसके आगे चलते हैं ये चार जो हैं वो अगर मिलते हैं इसके आंसर कि नहीं वो देखते हैं एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज मी जब डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में सर्जरी करते हैं तो दूसरे जो डॉग्स होते हैं उसके आजू बाजू राउंड मारते रहते हैं क्योंकि हॉस्पिटल में सब ऐसे ही डॉग के सर्जन थे तो दूसरे डॉग भी होते हैं लेकिन यहाँ पे क्या हुआ टिक्की लुक डाउन एट द नोजी पैक विथ डल आइज टिक्की जो है वो जो दूसरे डॉग्स का नोइज़ी पैक था उसमें से वो नहीं था वो कुछ नहीं बोल रहा था तो डल आई के साथ वो सिर्फ नीचे देख के ही वहाँ पर खड़ा था या बैठा था वैन पुट डाउन ले मोशन लेसली ऑन द कारपेट उसको जब मैंने कारपेट पे छोड़ा तो मोशन लेसली विदाउट हिले डूले हम द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकंड्स डिसाइड डेड ही वॉज एन अन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम दूसरे डॉग्स जब वहाँ पे थे हाँ तब उन्होंने उसको देखा दो तीन राउंड उसके आजू बाजू मारे लेकिन वो मौसनलेसली पड़ा था इसलिए उन्होंने भी डिसाइड कर कर लिया कि ये अन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है वह हमारे काम का नहीं है और उसको इग्नोर मार के चले गए सी हम भी कभी कभी ऐसा करते हैं तो हमारे फ्रेंड्स फिर छोड़ के चले जाते हैं आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट नेक्स्ट टू दन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट दूसरे डॉग्स जहाँ पे दूसरे सोते हैं वहाँ पे मैंने एक बॉक्स में उसके लिए अच्छा सा एक वाम गर्म सा लूज बॉक्स में उसका जो बेड है वो बनाया फॉर टू डेज आई कैप्टन आई दो दिन के लिए मैंने उस पर नज़र रखी गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर सिर्फ उसको पानी ही पिलाया उसको कोई फूड नहीं दिया क्योंकि बहुत सारा फूड वो इतने दिनों से खाता रहा एट द एंड ऑफ द सेकंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग्स एंड ऑन दर्ड ही बिगेन टू विम्पर वैन ही हर्ड द डॉग्स इन दो अपनी पूंछ भी हिलाने लगा और मूवमेंट मोशनलेसली जो पड़ा था पिछले दो दिनों से अभी उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज आने लगा सेकंड दिन सा, दूसरे दिन शाम से और तीसरे दिन तो वो दूसरे डॉग्स की आवाज़ सुन के विम पर भी करने लगा व्हेन आई ओपन द डोर ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड ही वॉज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाय जॉय द ग्रे हाउंड एंड हिस्स दूसरे डॉग्स के साथ वो इमिडिएटली मिक्स होने लगा और खुशी से यहींता घूमने लगा ठीक है आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूड ऑफ डाउन एंड एट द गार्डन उसको देखा थोड़ी देर और फिर जाना कि भाई ये तो अन इंटरेस्टिंग थिंग नहीं हमारे जैसा ही डॉगी है देख के सब जो डॉगी थे वो फर्स्ट फ्लोर से लेके वो ग्राउंड फ्लोर में नीचे गार्डन में चले गए अभी देखना ट्रिकी फॉलो देम रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट वो अपनी फैट को लेके ट्रिकी उनके साथ फॉलो करने लगा उनको पीछा करने लगा लेटर दैट डे आई वाज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम शाम को उस दिन शाम को फीडिंग टाइम जब उनका खाने का टाइम हुआ डॉक्टर वहाँ पे हाजिर रहे प्रेजेंट रहे आई वॉच टू ट्रिस्टन स्लॉप द फूड इन टू द बाउल्स द मैंने बाउल्स में जो फूड रखा था उसको दूर से देखा देर वॉज द यूजल हैड लॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ द हाई स्पीड ईटिंग बहुत ही जल्दी से खाने का जो आवाज़ कुत्तों का आता है ना जीप से जो खाते हैं वो वहाँ पर बहुत जोरों से सुनाई दे रहा था एवरी डॉग न्यू देट इफ़ ही फेल बिहाइंड अदर्स ही वॉज लाइबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ दिजमिल सब कुत्ते जानते थे कि अगर वो लास्ट में रह गए तो फिर उनको खाना नहीं मिलेगा वो लास्ट पार्ट होगा बच्चा कुचा कुछ खाना अगर मिल गया तो मिल गया अदरवाइज नहीं मिलेगा और इसलिए वो जब सब फटाफट जाते थे और फटाफट खाना पूरा करते थे अब जाते हैं फोर्थ पेज पर देखिए ये पिक्चर में भी वो दिखाया गया सब दौड़ रहे हैं है ना और सबसे पहला आ, लास्ट में जो फैटी है ट्रिकी वो भी रह गया है वैन दे हैड फिनिश्ड उन्होंने जब पूरा किया ट्रिकी टू का वॉक अराउंड अराउंड द शाइनिंग बाउल्स ट्रिकी ने बाउल्स के तरफ जाने का लगा लीकिंग कॉजली इन साइड वन और टू ऑफ दम आराम से उनके अंदर दो बाउल जो पड़े थे उसमें पहले में देखा फिर दूसरे में देखा कुछ भी नहीं था क्योंकि बाकी के डॉगी सब खा गए थे अब क्या होता है देखते हैं नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम उसके लिए एक एक्स्ट्रा बाउल रखा गया था दूसरे दिन हाँ एंड आई वॉज़ प्लीज टू सी हिम जॉस्टलिंग हिज वे टूर्स फिर उसने क्या किया दूसरे बच्चों की तरह जब खाना पिरोसा गया तो वो भी जॉस्टली जॉय के साथ भागता हुआ दौड़ता हुआ वहाँ पे पहुँचने की उसने ट्राई की फाउंड देम ऑन इस प्रोग्रेस वॉज रैपिड उसका प्रोग्रेस थी वो जल्दी जल्दी उसकी प्रोग्रेस हो रही थी मैंने देखा पहले दो दिन वो आराम से सोया हुआ था उठा भी नहीं आलस से फिर एक दिन कुछ उठा तीसरे दिन फिर अभी चौथे दिन उसमें जॉस्ट्रल आ गया ही हैड नो मेडिसिन ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल द डे ही रेन अबाउट द रेन अबाउट द अबाउट विद द डॉग्स उसको कोई मेडिसिन कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया लेकिन वो दूसरे डॉग्स के साथ दौड़ा भागी करता था ज्वाइन इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेज कोई ट्रीटमेंट नहीं लेकिन दूसरे डॉगीज़ के साथ वो आ, उनके तरह वो उनका जो सिस्टम होता है उस तरह से वो खेलना उसने शुरू कर दिया देखिए कैसे करते हैं दूसरे बच्चे ही डिस्कवर द जॉयज ऑफ बींग बोल्ड ओवर trimmed uh, uh, tempted on a uh, squashed every few minutes he became an ex accepted member of the gang an unlikely uh, skilly little uh, sorry silky little object among the shaggy crew fighting like a tiger for his share at meals time, times and hunting rats in the old hen house एट नाइट क्या बात है वो दूसरे डॉगीज़ की तरह अभी धीरे धीरे सब एक्ट करने लगा मील के लिए फाइट करने लगा टाइगर के जैसे और जो रेड्स को जो हंटिंग मारने लगा कहाँ पे हैन हाउस जो पुराना था वहाँ पर रात को ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ ऐसा टाइम उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी भी नहीं पाया था ऑल द वाइल्ड मिसिस पंपरी हॉवर्ड एन एक्सी इन द बैकग्राउंड रिंगिंग द डजन टाइम्स ए डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन अपनी ट्रिकी के लिए अपने चहीते के लिए उसके न्यूज़ लेने के लिए डजन टाइम्स मतलब डजन मतलब बारह बारह तेरह बार मतलब बहुत ज़्यादा बार फ़ोन करके सब कुछ बुलेटिन उसके लेटेस्ट न्यूज़ लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा एन एन सी एन सी एसली एं, एन सी एसली मतलब नो वेटिंग अधेराई से उनको बहुत ही ज़्यादा तलब थी अपने चाहिए ट्रिकी को वापस पाने की आई आई डॉज द क्वेश्चन अबाउट वेदर हीज कुंस वेर बींग टर्न रेगुलरली और हीज करेक्ट कोट वॉन अकॉर्डिंग टू द वेदर बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वेलें एंड रैपिडली मैंने वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती थी कि भाई वेदर की तरह उसका जो आ, जो कपड़े हैं उसका जो सॉल है उसका जो कवर है उसके जो कुशंस है वो बहुत ही आ, जल्दी से आप अच्छे से बदल रहे हो ना बदले जा रहे हैं ना लेकिन इन सब क्वेश्चंस के मैं सिर्फ क्या आंसर देता था कि जो छोटा बच्चा है और जो छोटा डॉगी है वो उसका आ, बहुत अच्छी तरह से बहुत फास्टली उसकी जो आ, डीफनेस है वो जो नहीं मूव कर रहा था उसकी आलसीपन जो है वो बहुत जल्दी से दूर हो रहा है बस मैं उतना ही आंसर देता था डॉक्टर को ज़्यादा हम पूछते हैं ना तो फिर डॉक्टर बहुत ही शॉर्ट में ही आंसर देते हैं हमें उसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है द वर्ड कौनवाल सिंह सीम्स टू बी समथिंग डू समथिंग टू मिसिस पम्परे सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स भाई लेकिन आ, आ, जो मैंने उसको बोला कि डीफनेस हाँ तो वो वर्ड उन्होंने पकड़ लिया और उसको उसका इंटरप्रिटेशन कुछ अलग ही किया उसका मीनिंग अलग ही निकाला और उन्होंने क्या किया शुरू किया सम राउंड फ्रेश एग हाँ उन्होंने ऐसा राउंड शुरू किया कि फ्रेश एग्स ला कर रहा था टू डजन एट अ टाइम जब भी वो आते थे एक एक टाइम में एक दिन में वो बारह डजन सॉरी टू डजन दो डज़न एग्स लाते थे टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ उसकी स्ट्रेंथ को और बढ़ाने के लिए फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई है टू एग्स ईच ऑफ ब्रेकफास्ट क्या बात है वो पम्परी को तो अपनी तरह से सॉरी वो ट्रिकी को तो अपनी तरह से ही खाना खिलाते थे उनके टाइम पर लेकिन मिसिस पम्परे पेम्पर्ड करती थी ट्रिकी को तो हॉस्पिटल में भी पहुँच गई वो बहुत रिट्स रेडी थी ना तो पैसे वैसे की कोई चिंता नहीं थी ज़्यादा तो हॉस्पिटल में भी एग्स एग वगैरह लेके पहुंच गई तो डॉक्टर ने क्या किया अपनी तरह से ही ट्रीटमेंट दे रहे थे तो उसने ट्रिकी को नहीं खिलाया लेकिन अपने स्टाफ मेंबर के साथ अपने पार्टनर्स के साथ बहुत ही अच्छा हैप्पी पीरियड वो गुजारने लगे और ब्रेकफास्ट में दो दो एग सब लोग अच्छी तरह से खाते थे बट वेन द बॉटल्स ऑफ वाइन भी घंटू अरे क्या बात है अभी द, एग्स में नहीं चल रहा था तो अभी वाइन की बॉटल भी वहाँ पे देने लगे द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगन एंड डाउन ऑन द हाउस होल्ड फिर तो सिचुएशन थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो गया कि भाई और भी हमें ट्रीटमेंट मिल रही है इट वॉज टू एंड ट्रिकीज ब्लड वो उसके खून में जाना चाहिए था उसके पेट में जाना चाहिए था लंच बिकम अ सेरेमोनियल ऑकेशन विथ टू ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील क्या बात है उनका जो लंच था जो डॉक्टर्स का और उनके पार्टनर का वो बहुत ही अच्छा होने लगा हाँ जैसे सेरेमनी हम आ, आ, सेरेमनी ओकेज़न कोई होता है और हम पार्टी करते हैं ना उस तरह से कि वो दो ग्लास लंच के पहले वाइन लेते थे और फिर लंच के साथ साथ भी वो वाइन लेते थे यहाँ पे डॉक्टर थोड़ा मजाक भी कर रहे हैं और एक बहुत ही बड़ा वेदक कटाक्ष भी कर रहे हैं कि जो पैम्पर्स uh, होते हैं डॉगी या तो चाइल्ड वो इस तरह से ही परेशान होते हैं तो uh, उनको ये नहीं मिलना चाहिए इसलिए वो नहीं देते और ये सब जो ट्रीटमेंट है वो खुद यूज़ कर लेते हैं अब आगे बढ़ते हैं पेज नंबर फाइव पे वी कूड हार्डली बिलीव इट वैन द ब्रांडी कैम पुट टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन अब देखो पहले विस्की आ गए पहलेक् आ गए फिर विस्की की बोतल आ गई अभी तो ब्रांडी का भी बोतल आ गया हाँ फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रेविडेंटली ड्रॉन्ग क्या बात है बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट से कुछ रातों तक उन्होंने वो भी पिया ब्रांडी ठंडी की सीजन में हाँ यूके का मौसम वैसे भी बहुत ठंडा रहता है तो ब्रांडी वहाँ पे ये कुछ सीखना नहीं है भाई आपको सिर्फ जस्ट uh, बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए इसलिए डॉक्टर जो है वो उसको नहीं देते हैं ये लेना नहीं चाहिए रेगुलर मीनस में ये हमारी कल्चर हमारी संस्कृति नहीं है दे वेयर डेज ऑफ डीप कॉन्टेंट स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग इम्प्रूव टू दस्टेंस बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग लग्जरियस राउंड द फायर विद द ब्रांडी क्या बात है डॉक्टर बोल रहे हैं कि दिन जो है बहुत ही अच्छे गुजर रहे थे हाँ सुबह सुबह स्टार्टिंग होती थी एग्स के साथ दोपहर का जो लंच होता था वो आ, होता था आ, वाइन के साथ और उसके बाद रात होती थी अच्छी सी फायर और उसके ब्रांडी के साथ फायर बन से मतलब हम ठंडी से बचने के लिए जो फायर जलाते हैं ना वो यूके का टाइम यूके का दिन है हाँ ऐसा एक ऐसा एक क्वेश्चन भी आएगा उसका आंसर भी हमें लिखना है तो वो याद रखिएगा हाँ इट वॉज़ अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकीज ऑन अ परमानेंट गेस्ट अरे वो इच्छा हो गई उनको दिली ख्वाहिश हो गई कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट की तरह रखे बट आई न्यू मिसिस पंपरी सफरिंग एंड वो बहुत ही परेशान थी और आफ्टर अ फोर्थ नाइट फेल्ट कम्पली कम्पील टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अ वेटिंग कलेक्शन और ले जाने के लिए वो वेट कर रहा है जो लिटल डॉग है वो अभी बहुत ही बहुत तर, अच्छी तरह से रिकवर हो गया है अपनी हेल्थ में से तो स्वार्थ ही नहीं बने हाँ क्योंकि अगर जितने दिन यहाँ पे डॉग रहता उनके दिन बहुत ही अच्छे जा रहे थे लेकिन डॉक्टर है ना वो स्वार्थी नहीं हुए क्योंकि उनको पता था कि मिसिस पम्फ्रे है वो भी विदाउट डॉगी बहुत ही सफ़र कर रही हैं बहुत परेशान हैं विद इन मिनट्स बहुत ही थोड़ी मिनटों में अबाउट थर्टी फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रीव अप आउटसाइड द सर्जरी तो उसके जो सर्जरी का जो हॉस्पिटल था उससे उसके बा, उसके बाहर बहुत ही कुछ मिनटों में तीस फीट का ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रीव अप आउटसाइड द सर्जरी एक जो बहुत ही बड़ा सा कार हा? वो आके बाहर खड़ा रह गया द चॉफर जो ड्राइवर होता है पर्सनल ड्राइवर होता है ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पंपरे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर क्या बात चॉफर जो ड्राइवर होता है प्राइवेट उसने दरवाजा खोला तो मिसिस पम्परे जैसे कोई उनको दिख रहा था डॉक्टर ऐसा बोल रहे हैं एक्चुअली वो मिसिस पम्परे ही था लेकिन यहाँ पे इस तरह से बात कर रहे हैं हर हैंड्स बेर टाइटली क्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ हर हर लिप्स ट्रीमल्ड ओ मिस्टर हैरियोट डू टेल मी द ट्रूथ इज ही रियली बेटर मिसिस एलियट मिसिस ट्रियम बहुत ही खुश हो गई थी और इसलिए ऐसा एक क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने कि मुझे सच सच बताना हो बहुत ही अच्छा अभी हो गया है ना बहुत अच्छा फील करे ना यस इज फाइन देर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट टू ऑफ दी कार आई विल गो एंड फ्रैक्चर हिम वो बहुत अच्छा है और आपको कार में से उतरने की जरूरत नहीं है मैं खुद जाके लेके आता हूँ आई वॉकड थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टिंग हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन द इ्स जो बहुत सारे डॉग थे वो मेरे आस पास घूम रहे थे मैं घर के अंदर गया उस डॉगी को लेने के लिए ईयर्स फ्लैपिंग टेल वेविंग कुत्ते कैसे करते हैं उसकी बातें हैं अपने जो कान हिलाते हैं पूँछ जो है वो हिलाते हैं वॉज द तो लिटल गोर्डन फिगर ऑफ़ द ट्रिक्की जो ट्रिकी था वो बहुत ही अच्छा हो गया था उसको मैंने वहाँ से लिया इन टू वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इन टू अ लीथ दो इन दो वीक्स में वो ट्रांसफॉर्म हो चुका था फैटी इल डॉगी की जगह वो लीथ बन गया था वो मसल डॉगी बन गया था हार्ड मसल एनिमल ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक स्ट्रेचिंग आउट इन द ग्रेट बाउंस ही इज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रसिंग द क्राउंड किस तरह से डॉगी चलते हैं जो अच्छे डॉगी जो फ्रेश डॉगी जो एकदम प्रॉपर डॉगी है वो किस तरह से चलते हैं उसकी बात है आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस द चॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन एंड वेंट्री की सो ही इज ऑन पेज नंबर सिक्स द लास्ट पैराग्राफ मिस्ट्रेस ही सी टुक ऑफ Uh, from my arms in the trem tremendous sleep of sail into mrs pumpery's lap she gave an startled oh and then had to defend herself as he swooned over her licking her face sorry licking her face and barking कुत्ता भी अपनी मिस्ट्रेस से बहुत ही दिनों के बाद मिला था इसलिए दोनों का जो एकदम वार्मनेस के साथ दोनों का मिलन होता है उसकी बात यहाँ पे की है ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द चॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स टॉयस कुसिन कोर्ट्स एंड बाउल्स नन ऑफ विच used, जो कभी भी यूज नहीं किए थे मैंने पिछले दो वीक्स में इतना ऐसा आराम हॉस्पिटल में नहीं मिलता है ठीक है ना चॉफर को मदद किया कार मूड अवे लेके मिसेस पंपरी जब वहाँ से निकले मिसेस पंपरी लर्न लिंक आउट ऑफ द विंडो बाहर विंडो में से कार के देखा टीयर्स स्टोन इन हर आईज हर लिप्स ट्रिमल्ड उसके आँख में से आंसू दिख रहे थे और उसके जो लिप्स थे वो ट्रिमल्ड कर रहे थे ओ मिस्टर हैरियोड सी क्राइड हाउ कैन आई एवर थैंक यू दिस इज द ट्रीम्प ऑफ सर्जरी ओ मिस्टर मैं हेरी डॉक्टर हैरी मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं ये आपकी विजय है ये सबसे सक्सेस सर्जरी है जबकि कोई सर्जरी जबकि कोई सर्जरी मिस्टर हैरी ने की ही नहीं थी उन्होंने ट्रिक लगाई थी कि इतना जो ओवर ईटिंग था वो सब कुछ बंद कर दिया था और उसको पम्पर्ड करके कोई खेलने का मौका नहीं मिल रहा था उसको ये दूसरे डॉगीज़ के साथ खेलने दिया था दिस वॉज द ट्रिक नॉट द सर्जरी लेकिन मिसिस प्रियम ने ये उसको सर्जरी का नाम दिया चलिए इसका ग्लॉसरी है वो लिख लीजिएगा इसके सिवाय जो अंडरलाइन किए हुए हैं वो लिख लीजिएगा अभी जो क्वेश्चन आंसर है इस पेज पे लास्ट तीन और नेक्स्ट पेज पे चार हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन थिंक अबाउट इट हाँ टॉक अबाउट इट इसमें ऐसा राइट द क्वेश्चन आंसर्स ऐसा नहीं होगा लेकिन हम फिर भी करते हैं क्योंकि मैंने पहले बताया उस तरह से आपके पेपर पैटर्न में सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी टू तीन क्वेश्चन इसके होंगे हाँ तो हम करते हैं चलिए वॉट काइंड ऑफ पर्सन डू यू थिंक द नरेट वेटरनिटी सर्जन इज would you say uh, he is tactful as well as full of common sense yes Iska answer Mr. Se sakte hain. mr. james harriot the narrator of the uh, uh, prose he was a very, a very good person he was very caretaker nature of the person and he is the veterinary surgeon so uh, he is not uh, like um, a cheap doctor that uh, for his uh, fees or for his uh, surgery he is doing something but he was tactful and with the common sense that uh, in the in the approach the tricky was not needed any surgery or any medicines so he is not given okay but he has given the treatment of uh, some less food some uh, fat less food and like that he has uh, um, done the things for the tricky and his uh, and its mistress uh, mrs trium and uh, like this he was a very kind and tactful person and with full of uh, common sense okay. सेकेंड वन दो मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो एटलीस्ट चार से पाँच सेंटेंसेस पाँच से छः सेंटेंसेस आपको इसके आंसर में लिखने पड़ेंगे ठीक है डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम वॉट डू यू थिंक विल हैपन नाउ यस आई थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम बिकॉज ही वॉज ऑल्सो मिसिंग हिज मिसट्रेस मिसिज एंड so in so many days he was not uh, uh, having his liking disease also hmm? so uh, he was uh, hap, uh, uh, very happy to go home what What do you think will happen now ab kya hoga? Hmm? Kyunki, uh, uh, as he was treated as pampered so i uh, I am worried uh, as mrs uh, mr Harriot that uh, he is going to ill वेरी सुन बिकॉज ही वॉज मिसिस शुप्रीम ट्रीट मैन फॉर हिम वॉज लाइक पेम्पर्ड चाइल्ड और पेम्पर्ड डॉग ओके इस तरह से, से इसका आंसर लिख सकते हैं और थर्ड वन डू यू थिंक दिस इज़ अ रियल लाइफ एपिसोड ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये इसका आंसर भी इसकी जो पंच लाइन है क्यों ये आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है ये ये क्वेश्चन है और मोर फिक्सन्स Or is it a mixture of both? Uh, I really think that this is the real life episode because in real life, so many parents, they are also pampering their child, okay And so many um, mistress and so many mistress pampering their pets and they are making ill to their pets, like uh, other uh, parents, they are uh, making ill to the,

ठीक है इसके डिस्कशन करने की होती है लेकिन मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ इसके क्वेश्चन आंसर हम मैं बोल रहा हूँ और आप लिख भी दीजिएगा आपकी बुक में इस तरह से हम ये स्टोरी uh, जो चैप्टर है वो पूरा करेंगे दिस एपिसोड डिस्क्राइब द सिली बिहेवियर ऑफ अ रिच वुमन हु इज़ फुलिस इंडेलिजेंट पर बिकॉज सी इज़ लोनली डू यू थिंक सच पीपल आर मेरली सिली or can their actions cause harm to the other's ears? i am absolutely believing that mrs. pomprey, uh, uh, she was the mistress of a dog and uh, tricky, and she was uh, alone at home. she was rich, so she was pampering uh, her dog very much. she was thinking that uh, uh, if i will give you uh, him uh, more and more food, then he is going to be very strong. So he is harming to uh, her. Uh, she is harming to her dog. So uh, this is the uh, very uh, strange and uh, uh, very worried situation of the society that, uh, uh, like Mrs. Pompre uh, rich people they are uh, really harming to the others by their silly behaviors. Second one. Do you think there are also parents like Mrs. Pamprey? This is also Yes, I am strongly believing that some parents are pampering their child like Mrs. Pamprey was pampering uh, the Tricky and the result is uh, causing the harm to the uh, uh, children. Uh, um, in the story uh, clearly suggests that mrs pamprey was really pampering uh, to the uh, to her pet uh, tricky and she was giving her over eating and uh, that is why she has forced uh, her dog into the illness and in real life uh, the situations are same some parents are doing the same uh, with their children and they are

I, I will clearly suggest uh, request to the Mrs. Pampre that uh, not to uh, pamper this much to the uh, Tricky because when it will uh, 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 beyond the limit then it will harm uh, to uh, that little doggy. Uh, so I will request because as she is rich lady I cannot suggest her but I can request her. Okay, is there se is answer or the second one. ए नेबर वॉट वुड यू योर लाइफ हैव बीन लाइक इन जनरल आपके नेबर्स के साथ एज बींग अबर आप किस तरह से बिहेव करते सेम आंसर uh, uh, उसका आएगा कि बींग नेबर ऑफ मिसिज पम्परे आई शुड सजेस्ट टू हर नॉट टू पेम्पर दैट मच टू दी पैट डॉग पैट ट्रिकी बिकॉज इट विल हार्म हिम वेरी मच एंड सपोज इट विल हार्म बैडली ऑल्सो सो जस्ट आई कैन सजेस्ट एज बींग नईबर ओके चलिए चलते हैं फोर्थ और लास्ट क्वेस्टन में वॉट वुड यू हैव डन इफ यू वेर इन दरे नरेटर्स प्लेस अगर आप नरेटर के प्लेस पर होते तो क्या करते हैं सी uh, मुझे uh, कुछ आपके uh, उसमें भी आपके हिसाब से भी आंसर चाहिए तो प्लीज़ इसका इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने हिसाब से लिख के uh, आप क्या थिंक कर रहे हैं डॉक्टर अगर आप होते तो आप क्या करते सर्जरी करते डॉग के साथ फिर जो एग्स और वाइन्स और आते उसका क्या करते हाँ तो uh, ये मुझे थोड़ा तीन चार सेंटेंसेस में चार पांच सेंटेंसेस में आप लिख के मुझे इसका आज रात को नौ बजे तक इसका आंसर्स जो है वो फोटोग्राफ्स मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पे भेजिएगा थैंक यू तो इस तरह से हमने ये पूरा एक जो चैप्टर है वो किया है और सप्लीमेंट्री रीडर का आगे के चैप्टर भी हम इस तरह से ही करेंगे फिलहाल हम इसके चार चैप्टर करेंगे ठीक है तो आपको ये नोटबुक में लिखना है इसी इसकी अलग से नोटबुक नहीं बनाएंगे तो चलेगा आपकी जो इंग्लिश की नोटबुक बनाई है उसके पीछे हाँ या तो एक काम करिए हंड्रेड पेजेस की सप्लीमेंट्री की एक बुक ही अलग से बना लीजिए ताकि उसका फिर हम यूज़ ग्रामर या तो कॉम्प्रीहसन पार्ट में भी कर देंगे ठीक है तो सप्लीमेंट्री का और कॉम्प्रीहसन पार्ट का जो आपके एसेज हैं या तो आपके ई हैं उसके लिए हम वो करेंगे तो एक सप्लीमेंट्री रीडर और कॉम्प्रीहसन का एक बुक हंड्रेड पेजिस का अलग से बना लीजिएगा उसमें आप ये सब लिखिएगा ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वेरी सुन थैंक यू वेरी मच